अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो इसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम पनीर है ये, और 250 ग्राम पालक ले ली है मैंने यहाँ पर, जिसे मैंने धोकर चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मुझे कुछ पेस्ट बनाना है, उसके लिए एक प्याज चाहिए, एक टमाटर, दो हरी मिर्च हैं, एक इंची या डेढ़ इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है, एक लहसुन की कली ले ली है, लहसुन को मैंने छीला नहीं है, इसी तरह मैं इसे पीसूंगी। तो इन चीज़ों को हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं हम। तो हमने यहाँ पर रख लिया है अपने पनीर को फ्राई करने के लिए, और हम इसे करेंगे फ्राई अच्छे से। अच्छे से हम इसे अलट पलट करके फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना ये चूई हो जाता है बिल्कुल रबड़ की तरह। इसे हल्का ही फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ पनीर को फ्राई करना है कर लिया है, और कुछ ऐसे ही रहन दिए हैं। तो हम अलट पलट कर कर इसे फ्राई कर रहे हैं। अब हमने अपना पनीर फ्राई करके निकाल लिया है, और यहाँ पर हमने ले लिया 1 टेबल स्पून ऑयल। आप ऑयल अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप खाते हो। इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून जीरा, और 1/2 टीस्पून खड़ी सौंफ साबुत। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हमने जो यहाँ पर पेस्ट बनाया था, हमारा जीरा और सौंफ फ्राई हो गया है, जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम पेस्ट इसमें डाल रहे हैं। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक था। तो हमने यहाँ पर इसे भून लिया है 2 मिनट तक, और अब हम इसमें अपने डालेंगे सूखे मसाले पिसे हुए। हल्दी डालते हैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून मिर्च डालेंगे। आप अगर ज़्यादा खाते हो तो अपने स्वाद के अनुसार मिर्च भी आप ले सकते हैं। 1/2 टी स्पून हमने डाला है जीरा पाउडर, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डालेंगे। तो इन मसालों को डालने के बाद हम अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे, और इसे 2 से 3 मिनट तक भुनने के लिए रख देंगे। दो से तीन मिनट के बाद हम इसे फिर चेक करेंगे। अब इसे भुनने के लिए रख देते हैं। 3 मिनट तक हमारा मसाला हो गया है, भुन गया है अच्छे से। अब हम इसमें अपना पालक को ऐड करेंगे, जो हमने पालक अपनी काट कर रखी हुई है। पालक हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमने मिक्स कर लिए। अब हम पालक को ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे इसमें मसाले में, और फिर इसे हम चेक करेंगे। दो से तीन मिनट के बाद हमने इसे देखा था, और दो बार मैं इसे बीच में चेक कर चुकी हूँ, और अभी ये आपके सामने फिर से देखा मैंने। ये पूरी तरह से मसाला पक चुका है, हमारी पालक भी पूरी तरह से पक चुकी है। तो इसे थोड़ा सा हम चलाएँगे, और अब हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए दोस्त, और हमने इसे पकाया है थोड़ी देर। अब हम इसमें डालेंगे अपना पनीर। पनीर डालकर हमने इसे थोड़ा सा चला लिया है, और पनीर डालकर इसमें हमें डालनी है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसे मिक्स कर कर इसे रख देंगे। हमने इसे मिक्स कर दिया है, और अब हम डाल रहे हैं इसमें 1/2 कप मिल्क। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, जितना आपको इसको थिक या थिन रखना है आप उतना कर सकते हैं। और अब हम इसे रख देंगे 1 मिनट के लिए पकने के लिए। ये देखिए 1 मिनट के बाद हमने इसे चेक किया है, बहुत अच्छा सा पक गया है। तो चलिए इसे करते हैं डिश आउट। हमने कर लिया अपने पनीर पालक को डिश आउट, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ज़रूर इसे इस तरह से ट्राई करिए,
और ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करिए, मुझे कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।